हेलो जी, नमस्ते सारे जो, क्या हाल चाल है? होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सैटरडे, घने ब्यागर बज्जी गिरे, आई थिंक 10:30 हो गए। मैं जस्ट चाय फिनिश की थी अपनी, कहने घर लगी थी, मैं गलांदी अपनी बहन ने भी आई जाओ। मैं सोचा भी थी आज आ जाना, उनके पूछा था मेरे पहले से आपकी बहन कब आएगी। तो मेरी बहन पता नहीं कब आएगी, 10 दिन से आ रही है, फिर डेली नया नया बहाना लगा रही है, आ नहीं रही। पर तो अब मैं होंगी रेडी, देन मुझे जाना है ऑफिस। और आज अपॉइंटमेंट भी है डेंटिस्ट का, कौन की मुझे गलाया पहले लहसुन रख लेना था दांदा। इस तरह मैं दस दूँ भी, मेरे दांदा ज़्यादा इन्फेक्शन हो ही रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं इस तरह ट्रीटमेंट कराया था, इस वाले में पेन है तो इस तरह मैं पहले भी कराया रहा था ट्रीटमेंट। कने इस मतलब तीने गलतियाँ ने पहले मतलब सीक बनाई रही थी, कहीं से निकलेगी है ना, तीने पता नहीं केड़ी बढ़ रही थी। तो आज फिर इतने साफ कितना था, अभी तो 2-3 दिन पहले कहना, आज सिटिंग वन है इसका, सिर्फ कराना समझा 4 बजे करने, और यही आज का दिन यही अगर ऑफिस ऑफिस करने दंदर लाज करे समझा आना फिर घर आ जाओ। तो ओके, अभी मैं हो लेती हूँ रेडी, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी ऑफिस के लिए। करें आज इतनी बांकी धूप लग रही ना, मैं क्या ही दसूँ। कम से कम मुझे लगता कोई 15 दिन बाद आज धूप लगी होंगी थी। करे कंबल कुंबल काट देते आज मैं बाहर आकर, और मैं चली ऑफिस। पर मेरा मन करेगा अभी इतनी खड़ रहा हूँ, पहले था घंटा भर। करे तो चलो चलते हैं अभी ऑफिस। आई थिंक 10:30 हो गया, लेट हो गया आज। मैं कपड़े कुपड़े काटे आज बाहर धूप लगाने के कटे ते पे। मास्क इज वेरी जरूरी। जब भी यहाँ से कमरे से निकलते तो इतना गंद होता ना ये तो पता लगता है, जब समझ पूछते फिर करा क्या करें। इतनी रही गया सफर 2-3 दिन, ए वाली प्रॉब्लम ही ए वाली ए ना। अब क्या भी जिया पर खबर खाई हुई मेरे पर तो इतनी प्रॉब्लम आते, मैं सुन रहा भी बीमार भी हूँ सीकन वाली जी प्रॉब्लम है। तो इतनी ये दिक्कत ही होर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आता करके मैं अंदर कमरे में भी आती लगी रही हूँ कने, जितने सीलन वाले बचे से पपड़ी पुपड़ी निकलती लगी रही, तो से सारी ब्यागा उठ के जब मैं राती सौ तो ब्यागा उठ के से सारी मुँह पर पड़ी करके। बाहर यहाँ मज़े ही होंगे सब कि मतलब तुम हर एक चीज़ का रेट मिली आती दुद्ध तो लेनी सब्जियाँ तक, पर फिर भी घर तो घर ही हों। इस बार के ठंडे मैं हलवा नहीं बनाया गाजरा का, एक दिन बनाया था ध्याड़े में बड़ा बीमार हुई थी, हूँ मैं सोचा कहती मैं शिफ्टिंग करनी, मैं उसके बाद फिर बनाऊँ हलवा। कने मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लाना तो मास्क ही होता। बड़ा शांत माहौल सिर्फ इस गेटा तक गेटा तो अगे फिर गड्डियां रिपड़ी चिड़ी मड़ी बड़ी बड़ी आवाज़ से। दो लाल पता नहीं कितनी, दो लाल मतलब हमारे सिक्योरिटी नहीं, वो बाहर बैठ रहा है, सोचो कितनी गया आज। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? बस इतना था कि शांति उसके बाद का। ओहो ये मेन रोड है, गाने भी मैं जाना इतना, तो चलो ओके बाय, क्योंकि इतनी बड़ा भाई सेफ्टी आने निकलना पैंता, ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा होता। तो अब जब हम शूट करेंगे तो हम उस साइड को चले जाएंगे फिर से। तो अभी पहुंची मैं ऑफिस, सब चाय पिए गए, चाय पीने के बाद काम करेंगे। करें एक प्रॉब्लम होगी भी, जो अपॉइंटमेंट लेटर था तो डेंटिस्ट से कर रही है बहुत दुखी, मैं अपने आप थी सीरियसली डेथ ही हो गई लेट हो गई। हाय एंड वेलकम बैक, अभी बज रहे हैं 4:30, 4:30 का अपॉइंटमेंट था और मैं अभी निकलेगा। सो अभी ओके सर माई आंदी कई बार नहीं
जब लोग देखते हैं तो लग रहे हैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ, चलिए चलते हैं। दंदे वाली पीड़ बुरी, जेड़ा ताड़ू कर दी चणाका। मोटे चणाका की तरह था, पर सीधा अति करत्री थी। क्या करें जिंदगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अब आपको उधर। ब्याह लगे कुछ किदा बनेड़ी लाइट ला रही दिहाड़ी अभी भाई, मोटा इंतजाम चा की तरह। ओके बाय। You don't wanna know me, you just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. तो उसके बाद मैं आ गई थी ऑफिस। कहने ऑफिस आने का मेरा एक ही मकसद था भाई, मकसद कोई नहीं था यार, टिफन रही गिरा था इतनी है, फिर भी आना पाया क्योंकि डेंटिस्ट भी इतने सेक्टर विच आ, कहने ऑफिस भी इतने सेक्टर विच आ, कहने सारा घर भी इतने सेक्टर विच आ, ता करके मैं जो भी आना पाया। कहने कल संडे भी थोड़ी क्लोजिंग भी थी रही, कहने तसे भी की, कहने हूँ चली मैं घर आ जाओ। कहने मेरे दंद एडी लग रही टन। आज मैं सोचा था भी कंप्लीट हो जाना, क्योंकि पहले दिन बोला भी 2 सिटिंग में हो जाएगा, बट नहीं होया क्योंकि जब दिन काम स्टार्ट किए कहने मैं जो बड़ा पेन लगी, मतलब पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर तीन बोला भाई इस दंदर चल रहा था इस दा तरीका देखा मेरा तो सुने था। तो अब भी जाना पौना मंगलवार दिन, फिर ही होना कंप्लीट। सो बज गए हैं 6:30 होने वाले, 10 मिनट रह गए 6:30 होने। जो चलते हूँ घर आ जाओ, मिलते हूँ तो सौ नेरा हो गया वो लोगों। थोड़ा जो मैं अपना किचन थोड़ा साफ करता, समान समून थोड़ा लपेटी दी तरह से, क्योंकि जाना हूँ कल परसों तक। हाँ तो मैं वो दिल थी अभी वापस था कि कदी भी बैठ दी आई। सबसे पहले मैं देखती हूँ मैं खाने में क्या बनाना, सबसे पहले तो चाय का प्रोग्राम होता ना, चाय के कहने तो भांडे झूठे धोने, पहले भांडे धोने उसके बाद करना चाह बनानी अपने कट्ठे, कहने अपने कहने खुशबू कट्ठे, क्योंकि 7-7 बजे से भी आई जाएंगी। चाह बनानी, फिर सब्जी वाला करना खिचकी, सब्जी भी लिया खोटनी खाटनी, फिर सब्जी बनानी, फिर रोटी बनानी, खुशबू रोटी बनाई, फिर मैं सब्जी बनाई। चलो दो ही लेंदे भांडे भाई, चाह भी I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel a mind. चाय बन गई है, टायर्ड हूँ, थोड़ा पेन में भी हूँ, प्रॉपर ऐसे नहीं कर सकती हूँ, बट कमजोर नहीं। कभी कभी लगता है कि रो नहीं रहे हूँ, आंखें कुर्क लग रही। तगड़े वाला होम सिकनेस हो जाता कभी कभी, जे बड़े थकी रहे हारी रहे मानती रहे घर पूजा। उसके बाद काम, चलो काम करने का तो मुझे शौक है, एड़ा नहीं कुछ भी, मतलब एड़ा जबरदस्ती नहीं मैं कर दिया कभी भी आप उन्हें, मतलब जो नहीं करना हो तो मैं छाड़ भी देंगी कहीं नहीं, बट मैं सारा मतलब काम करना मुझे पसंद था, स्पेशली किचन का काम, कुकिंग, कुकिंग करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कुकिंग उसके बाद ब्लॉगिंग। मैं अपने स्पेस में रहना बहुत पसंद करती हूँ, लाइक अपना कुकिंग किया, अपना ब्लॉग बनाया, चाह पी ली मैं, कहने अब क्या करेंगे हम, पढ़ेंगे कुछ अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स। और रिद्धिमा लिख रही है यू शुड मेक वीडियो ऑन योर जॉब, आई एम सो सॉरी रिद्धिमा, अभी मैं बनाऊंगी ये वाला वीडियो, मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी ऑफिस वाला, बहुत सारे लोग पूछते आप क्या करते हो, सारा सब कुछ बताऊँगी, अभी बन रही है। अभी टाइम नहीं आया, हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है, तो वो टाइम नहीं आया अभी, तो उसमें मैं सब कुछ दिखाऊँगी आपको।
अब जब आप लोगों के साथ हर एक बात शेयर करती हूँ तो ऑब्वियस ये भी बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। कल वाले ब्लॉग पे किरण शर्मा, कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली कमेंट करते हैं, जिनको मैं डेली पढ़ती हूँ, तो मैं उनके आज कमेंट्स पढ़ूंगी। किरण शर्मा लिख रहे हैं, फाइनली गुन्नू दीदी ने दर्शन दे ही दिए, लव यू दीदी, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो मच किरण, लॉट्स ऑफ लव टू यू। एक गलती में और कितनी काल जेडी सब मुझे पता, मैं रिपीट नहीं करनी से, सॉरी अगेन। तुषार शर्मा लिख रहे हैं, आपको आपकी मंजिल हम सफर मिल जाएगा, सेम इंजन नहीं चाहिंदा हले। मंजिल मुझे चाहिंदी पर हम सफर नहीं चाहिंदा हले, हम सफर जो थोड़ा सा टाइम हाले, मुझे मेरा कोई प्लान नहीं हम सफर हाले। बट फिर भी आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत वेट हो रहा था आपका, हरीश ठाकुर लिख रहे हैं, थैंक यू जी, धन्यवाद, बड़ा बड़ा तू सारा बड़े दिला दाते। गुन्नू दी आप 22, मैं 22 में रहती हूँ, आप हमारे यहाँ आना जरूर। निधि शर्मा, अब नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो पक्का। रितु ढाक भी लिख रहे हैं, आपके दांतों में दर्द तब हुआ कि आपको नजर लग गई है। ओहो, नजर तो आनी पड़नी है। नजर नजर वैसे कुछ नहीं होता, आया ही नहीं है। ओके, रोजी एंड रहीनो ब्लॉग्स, आई थिंक अच्छा ये कुछ ब्लॉग्स करते होंगे, आई थिंक सो ब्यूटीफुल लवली ब्लॉग एंड आंटी जी इज अडोरेबल, रिस्पेक्ट फॉर हर प्योरिटी एंड शी इज इनोसेंट, वर्ड्स आर सो क्यूट, लव फ्रॉम रोजी एंड रहीनो ब्लॉग्स। और भी लिखा कुछ, अच्छा दिल 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 भेजे हैं, सो थैंक यू सो मच रोजी, बहुत ही प्यारा सा कॉमेंट था, एंड धन्यवाद सारा ना तुसे सारे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट मतलब इतना सांस देते मुझे, मैं हर बार सोचती भाई मैं सिर्फ मंडियाली च गल करनी, पर क्या करूँ, निकल ही आता कुछ ना कुछ मेरे ते, पर फिर भी मैं हर प्रैक्टिस लग रही करती कि मतलब मंडियाली निकलो क्या वो भी मन जमा जा निकली जाए, है ना। सो धन्यवाद सारा था, बड़ा बड़ा दिलाते, तुझे सारे इतना सारा प्यार दें, इतने अच्छी अच्छी गल्ला लिखा है, इतने पॉजिटिव हैं मेरे ऑडियंस में, सीरियसली अप्रिशिएट करती हूँ हर एक उस इंसान को जो इतना अच्छा लिखता है, कि आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, कोई भी नेगेटिव कॉमेंट कभी भी नहीं आता है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका। खुशबू अभी आई, अभी बज रहे हैं 7, और खाना आज माँ हाजू रानी है, रोटी क्यों, मैं बोला मीठी चले गई क्योंकि मैं कर रही हूँ ऑर्डर, क्योंकि आज बहन ऑर्डर कर रही है भाई, आज क्योंकि सैटरडे है, कल मेरी छुट्टी, आराम से उठूंगा और बाहर से, कल हमारा ऑफिस है, तो कल ये सारा ऑफिस है, कल मेरी छुट्टी, तो माँ आराम आगे उठना, तो अभी ऑर्डर गया हमने, परसों आराम से उठेंगे और फिर खाएंगे हम खाना, मेरा मंडे ऑफ होगा, कने मंडे ऑफ था ना, मंडे स्मार्ट होना, अपने बिल्कुल ना करते वाला भी मानना हो या लाड़ी ऐसा गरीब प्रवेश करना तो सारे भी बहुत जचकना पैना होना, सो क्या करना, वो तेज सो मैं तो कूली भिजवाया पर मेरे से के गद्दे बड़ी बड़ी हो रही थी तो सब पता भी ना कूली करना नहीं है ना आपको बढ़िया ना गदिया। मैंने ऑयलिंग की आज क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे चलाना चाहिए तेल मुंडा कर और ये झूठ है। सच है, नहीं वैसे हो चुके हैं 8 साल, पर वो मन उस दिन मुझे याद नहीं था जब हम मिले थे। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रश करते हुए देखा था, इसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था ब्रश करते हुए, मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था पानी भरते हुए, लड़की के बाल कितने लंबे हैं रब्बा।
ताली तो बड़े ज्यादा लंबे थे अड़के अब नहीं रहे इंडिया ताली और ज्यादा लंबे थे गाने मेरी भी लंबे हो गए थे अब लोग का जो मैंने काट दिए ये सर पे गाने लंबे इस स्मूथनिंग कराए कराए ने पट्टी ते जोड़ देना नहीं तो क्या कर ये मंडी भी बड़े लंबे हो गए थे वाले कौन है एड़ी एड़ी गप्पी 8 साल हो गया सर सो के कने ऊना हुए सने रणा नहीं चल रही है भगवान करे हमारी दोस्ती ऐसी चलती रहे सालों साल तो इसी के साथ करते आज का ब्लॉग खत्म ओके बाय बाय शुभ रात्रि सब अपने ख्याल रखें और क्या ला था बोलना अब हो गया भूलिए ठीक है भाई मुंडियाली सड़ते वाला दो लाइन चिल करो फन करो खुश करो हाँ जिंदगी नहीं अभी आसो टेंशन नहीं कोई कुछ कुछ लोग बनाए तो बड़े बड़े खास दिन है गॉड गिफ्टेड टेंशन खुश करो चिल मारो दुनिया कोई लेना देना किसी बोलना देख के गली समझी गए समझदार चल बाय कर चलो लोको बाय गाइस चलो बोलो लोको ठीक है लोको बाय ठीक है लोको बात खाने कर बाय एडी बाय कर जब कपड़े मार दे तू बोल दे थक गए आज कर